मैं पहले भी अमेज़ के जोहरी के लॉन्च पे आ चुकी हूँ. मैं यही कहना चाहूँगी, उन्होंने अपना नया कलेक्शन लॉन्च किया एंड पीपल शुड हैव अ लुक बिकॉज इनके डायमंड्स जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं. आई एम वेयरिंग वन फ्रॉम जोहरी एंड दे गेव मी अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ डायमंड एंड अ वेरी गुड प्राइस. तो आई थिंक सारे लोगों को एक बार तो आके यू नो पीपल शुड हैव अ लुक. एंड द डिज़ाइंस मुझे यहाँ की बहुत पसंद आते हैं. जनरली आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन, मुझे ज्वेलरीज बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सम हाउ आई मैनेज टू बाय ज्वेलरी फ्रॉम देम. ज्वेलरी में कितनी चूज़ी है? मैं ज्वेलरी में बहुत चूज़ी हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन. आई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट इन ज्वेलरी, बट मैं आई डोंट बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन ज्वेलरी बिकॉज मैं पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी. यू नो आई वुड रादर वेयर समथिंग फंकी, बट इफ़ यू आस्क मी टू वेयर समथिंग गोल्ड या फिर मैं नहीं पहनती, तो उस मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ. एंड आई थिंक मेरी वो सारी चॉइसेस जो हैं यहाँ आके पूरी होती है. तो मुझे जब कुछ ज्वेलरी खरीदनी होती है, देर आर टाइम्स वेन आई जस्ट टेल वर्षा दैट यू नो select something for me and she does it and I like it, so I think that's incredible. And to fashion ke bare mein kya sochti hai aapki nazar mein, fashion ki definition kya hai? आप जो भी कैरी कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फैशन फॉर मी. देर आर पीपल हु कैन नॉट इवन कैरी अ साड़ी, यू नो, एंड देर आर पीपल हु कैन कैरी मिनी स्कर्ट्स सो ग्रेसफुली कि उन्हें देख के आपको चीप नहीं लगता है. सो आई थिंक वट एवर यू कैन कैरी, that's what fashion is. Mumbai Tigers ka brooch bhi launch hua hai, uske bare mein kya kehna chahiye? Sorry, Mumbai Tigers ka brooch bhi launch hua hai. Ji ji, Mumbai Tigers, of course maine is team ka anthem gaya hai, so I'm really excited and I'm looking forward to it. Thank you. Thank you. जी, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू जोहरी बाय अमेज ज्वेल्स एंड आई एम रियली प्राउड दैट मुंबई टाइगर्स इज एसोसिएटेड विद दीज गाइस. काफ़ी करता हूँ, आई मीन मैं क्लियरली तो नहीं करता लेकिन घर वाले करते हैं, मॉम गर्लफ्रेंड सब करते हैं. तो सून आई बाय समथिंग फ्रॉम योर इटसेल्फ. सॉरी क्या? ओके, एक्साइटेड एज यूजुअल. बॉम्बे मैं हूँ, लोकल मुंबई बॉय, तो बॉम्बे के साथ कुछ भी रिलेटेड हो तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड. तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू.
नथिंग जौहरी एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है ज्वेलरी की. इनफैक्ट मेरी वेडिंग की जो भी ज्वेलरी मेरे वाइफ ने खरीदी थी वो जौहरी से ही खरीदी थी. एंड आई एम एसोसिएटेड विद देम काफ़ी टाइम से ना. एंड आई कैन जस्ट से कि द क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी इज़ रियली गुड. And even the service that they provide you is very good. I'm not a very jewelry person, but hai mere paas thodi bahut jewelry hai, but main itni pehanta nahi hu. Main shooting karta rehta hu, to shooting mein aap kya jewelry pehne ho? Main bas ye do ring pehanta hu jo meri maa ne kaha hai kabhi nikalna mat, to main bas wo pehanta hu. Of course, but family mein mom ke liye meri maasi aaye hain ya abbu aaye hain, सिस्टर्स हैं, बीवी है, तो उनके लिए कभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. एंड क्या क्या देखे जाने वाले वाले आप ले रहे हैं? आई लाइक वन सेट, वन डायमंड सेट. देखते हैं वेदर आई हैव टू ऑब्वियसली सी इफ नेहा लाइक्स इट. इफ शी लाइक्स इट देन वी पिक इट अप. तो नेहा कितनी चूजी है, मतलब ज्वेलरी बहुत ज़्यादा. शी आई थिंक शी इज़ वेरी चूजी अबाउट एवरी थिंग. उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और वो बहुत सोचती है कि एक यू नो मतलब कहाँ कहाँ मैं पहन सकती हूँ, कितना इसका वो है, मतलब हर चीज़ सोचेगी. डायमंड की क्वालिटी क्या है एंड प्राइस क्या है, मतलब एवरी थिंग. ना वुमेन आर ना दे लाइक टू गो इन टू डिटेल अबाउट एवरी थिंग. मैं इतना मतलब मैं पूछता हूँ क्या है, पसंद है पहले वो बताओ ले लूँ. एंड शी इज़ लाइक नहीं नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए, लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं जो चाहिए तुम ले लो. आपका क्या मतलब रिएक्शन होता है, आप क्या कहते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं? मैं थोड़ा बहुत मुझे पूछती कि ये कैसा है वो कैसा है, तो जैसे सब बताते हैं मैं भी बताता हूँ अपना ओपिनियन. आई थिंक ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. बहुत ही अच्छा रन रहा नागिन का, अभी भी टॉप पे चल रहा है. एंड दिस इज़ आई थिंक पहली बार इंडियन टेलीविजन पर ऐसा हो रहा होगा कि एक शो इतने हाई पर बंद होगा, नंबर वन शो टीवी का एक हाई पर बंद होगा. बिकॉज एक फाइनाइट सीरीज़ है एंड हमेशा से हमको बता था कि नागिन ख़त्म होने वाला है. इनफैक्ट पहले ख़त्म होने वाला था, थोड़ा एक्सटेंशन होके अभी ख़त्म हो रहा है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो शो की टीआरपी अच्छी आती है उसको दो तीन तीन साल तक तो खींचते हैं और फिर जब तक वो शो ऑडियंस के नज़रों में गिर नहीं जाता उसके बाद बंद करते हैं. बट टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी कि नागिन इज़ एंडिंग ऑन अ हाई नोट. एंड अगर सीज़न सब पूछते रहते हैं कि सीज़न टू आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, बट एक इंटरेस्ट भी जगता है अगर दूसरा सीज़न आएगा कि क्या होगी स्टोरी. एंड आई एम श्योर टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ ऑडियंस टू द नेक्स्ट सीजन इफ इट्स हैपनिंग. वेट एंड वॉच कुछ है, ज़रूर है. एंड बहुत जल्दी आपको आप सबको पता चल जाएगा वो क्या. उसके बाद में क्या ब्रेक लेने वाले हैं किसी के मतलब से सीधे नागिन के खत्म होने के बाद? नहीं नहीं, देयर इज नो आई थिंक एक्टर की लाइफ में कभी ब्रेक वैसे आता नहीं है. अगर नहीं आया क्यों तो मतलब अगर आता है तो वेरी अनफॉर्चुनेट है. बट मैं ब्रेक नहीं लेना चाहूँगा. आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू वर्क रियली हार्ड, मेक द मोस्ट ऑफ इट. और मैं जैसे ही ख़त्म हो जाए मैं एक दो चीज़ों की ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ, तो मैं आई जस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दैट. अभी दो बार से आपको सिर्फ कलर्स फेयर में देखा है, मेरी आशीन में नागिन में, तो अभी कलर्स से हटकर आप किसी और शहर में काम करेंगे? कलर्स अभी एक फैमिली बन चुकी है, तो देखते हैं क्या होता है आगे. बट कलर्स को अभी फिलहाल छोड़ना थोड़ा मुश्किल है. तो मतलब अगला जो सीरियल जो आएगा, आई डोंट नो, नो कमेंट्स. थैंक यू. थैंक्स. अमृता हो जाने दो. हो जाना, फोटो हो गया. इस लॉन्च के बारे में ये कहना चाहेंगे कि वैसे भी ये जो जीजू हैं, हम इनको जीजू बुलाते हैं,
तो इनका लॉन्च है और हम इनकी टीम से भी खेल रहे हैं मुंबई टाइगर्स. सो ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनकी सेलिब्रेशन का पार्ट हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट नोन देम एंड दे आर ग्रेट पीपल एंड आई जस्ट लव दीज पीपल. लाइक अब मेरे भाइयों जैसे बन गए हैं. ज्वेलरी हम नहीं पसंद करते मगर हमारे मॉम डैड मॉम वगैरह या गर्लफ्रेंड्स हो गई सो ये ऑब्वियसली बहुत पसंद करती हैं ज्वेलरीज. सो कुछ भी होता है कुछ भी फंक्शन होता है तो उनको मीन अगर ज्वेलरी दे दी तो सब खुश हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको सिवाय ज्वेलरी के. सो ज्वेलरी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आर लाइफ एवरीबडी लाइफ आपकी भी लाइफ में आपकी भी लाइफ में सबको ज्वेलरी में तो आकर सबको ही हंसते हैं. हाँ जी हाँ जी मेरी दो फिल्म आने वाली हैं अभी मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी आने वाली क्योंकि अभी तक डेट्स नहीं आई हैं. एक है एक लव डे है और एक है अपना दिल तो आवारा. सो मेरे को लगता है अपना दिल तो हमारा पहले आने वाली है बिकॉज इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन 28th में बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम ऑफ माई डायरेक्टर उनकी फैमिली में किसी की लाइक पास्ट अवे और समथिंग सो दैट्स वाई इट्स लिटल लेट. सो बहुत जल्दी आने वाली हैं ये दो फिल्म्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Okay, so this is the Mumbai Tigers brooch that we are launching and everybody please hold it on guys. बहुत बड़ा है. एक बनाया बाकी खरीदने बाकी लोग को फ्री सबसे पहला पहला स्टार ही अफोर्ड कर सकता है. जैकेट बहुत अच्छी क्वालिटी पीछे आ जाओ मैं पीछे आ जाओ सब पीछे आ जाओ.
और पीछे आ जा, हमें पीछे 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 मंगेश पीछे आ जा, पूरा वाइड में लगा थोड़ा सा ना सामने कोई भी इतना